Very good morning, Radian, class 12. Student, today we are going to discuss a topic, consumable goods. Actually, consumable goods का जो main motive है, वो ये कि the total goods, the total material which are you purchased in this year, या जो भी आप पिछले साल purchase किए थे, उस particular में से कितना सामान इस साल use हुआ है. तो student, इसी concept को लेकर के आज हम देखेंगे consumable goods का treatment. तो स्टूडेंट, कंज्यूमेबल गुड्स के लिए एक चीज़ आपको ध्यान देना होगा कि बेटा जो भी आइटम्स होते हैं, जो भी सामान परचेज किया जाता है यूज करने के लिए, तो ज़रूरी नहीं है कि वो सारे सामान जो है यूज हो जाए. जब भी हम बात करेंगे गुड्स की, तो यहाँ पे गुड्स का मतलब आप समझेंगे मटेरियल, ठीक है. क्योंकि अभी तक आप गुड्स का मतलब समझते थे सर वो सामान जिसको हम क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं. लेकिन यहाँ पे बेचना नहीं है, यहाँ पे चीज़ों को कंज्यूम करना है, यूज करना है, ठीक है. बेचने जैसा वर्ड यहाँ पे नहीं यूज हो सकता, बिकॉज यहाँ पे जो हम किसी बात कर रहे हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की. तो सपोज करो कि हमने स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज किया, ठीक है. क्या परचेज किया? स्पोर्ट्स मटेरियल. तो जो स्पोर्ट्स मटेरियल आपने परचेज किया, उसमें सपोज कर लो अगर वो क्रिकेट का है, तो सपोज उसमें बैट होगा और भी चीज़ें होंगी, या ग्लव्स वगैरह होंगे, या लेदर पैड वगैरह होंगे. तो ये जो भी चीज़ें आप परचेज करते हो, ठीक है, तो जो स्पोर्ट्स मटेरियल आप परचेज करते हो, या जो भी मटेरियल आप अपने कंजम्पशन के लिए परचेज करते हो, तो इस बात की क्या गारंटी कि वो 31 मार्च 2000 या 31 मार्च मीन्स साल के अंत तक वो पूरी तरीके से जो यूज हो चुका होगा. हो सकता है उसका कुछ ओपनिंग स्टॉक रहा, हो सकता है कुछ क्लोजिंग स्टॉक रहा. सपोज दैट स्टूडेंट, कि अगर मैं बात करूं कि सपोज करो कि आपने एक सेशन स्टार्ट किया 1 अप्रैल 2018 से, और दिमाग में रखा कि 31 मार्च 2019 को जो है ये क्या होगा बेटा, ये आपका ख़त्म हो जाएगा. तो ये सर आपका ओपनिंग होगा और ये आपका क्लोजिंग होगा. तो ओपनिंग और क्लोजिंग में जिस समय आपने 1 अप्रैल 2018 को बिजनेस स्टार्ट किया, तो ये 1 अप्रैल 2018 आपका सेशन है, 1 अप्रैल 2018 to 31 मार्च 2019. लेकिन ये सेशन इसके पहले भी तो चल रहा होगा, जो कि 1 अप्रैल 2017 से लेकर के 31 मार्च 2018 तक रहा होगा. इसके प्रीवियस सेशन जिसको आप कह सकते हैं कि प्रीवियस ईयर, ठीक है. तो प्रीवियस ईयर, और ये आपका क्या चल रहा है सर, ये हमारा चल रहा है करंट ईयर. तो बेटा ये बताओ कि द गुड्स विच आर कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर, चूंकि हमें पता है कि जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है, कौन सा अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का नेचर होता है बेटा कि ओनली दोज एक्सपेंसेस विल बी पुट इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर दैट आर रिलेट टू द पर्टिकुलर ईयर, बिकॉज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आर फॉलो द रूल ऑफ मैचिंग कंसेप्ट. तो मैचिंग कंसेप्ट कहता है कि जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं, उस पर्टिकुलर एक्सपेंसेस से जुड़ा हुआ इनकम ही रिकॉर्ड होना चाहिए. मीन्स जो भी आप इनकम कर रहे हैं, उससे जुड़ा हुआ एक्सपेंसेस ही साल जाना चाहिए. तो मतलब ये है कि अगर हमने, हमारे पास हम जो भी पवेलियन हुआ, उस पवेलियन में सपोज कर लो कि वहाँ पर 10,000 का स्पोर्ट्स मटेरियल पहले से रखा था, तो सर ये तो आपका हो जाएगा ओपनिंग स्टॉक. क्या हो जाएगा बेटा? ओपनिंग स्टॉक. इसके बाद इस साल आपने परचेज किया 40,000 का, तो ये तो इस साल का परचेजिंग हो गया, ये आपने परचेज कर लिया. इसके बाद जब पूरे साल में स्पोर्ट्स मटेरियल यूज हुए, इसके बाद भी आपने देखा कि 15,000 का स्पोर्ट्स मटेरियल भी बचा है, तो बचे का मतलब हो जाएगा ये क्लोजिंग स्टॉक. तो ये बताओ, अगर किसी ने पूछ लिया आपसे कि कितना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा, कितना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा, तो उसके लिए आपको सोचना क्या है? उसके लिए आपको सोचना ये है कि सर पहले साल था, पहले से ओपनिंग स्टॉक था 10,000, इसके बाद हमने परचेज किया 40,000 का, तो कुल हमारे पास जो गोडाउन में सामान था वो कितने का था? 50,000 का. और 50,000 के सामान में से 15,000 का सामान अभी जो यूज ही नहीं हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं क्लोजिंग स्टॉक. तो कहीं ना कहीं जो इस साल कंज्यूम हुआ है स्पोर्ट्स मटेरियल, वो कितना है? ओनली 35,000. तो क्लास 11 में भी आपने ये ट्रीटमेंट किया था COGS निकालते समय. COGS का मतलब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ठीक है. ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये सारी चीज़ें जो आप करते हैं, ठीक है. ऐसे ही इसमें एक ट्रीटमेंट और बढ़ेगा बेटा, जैसे क्रेडिटर. क्रेडिटर, ये क्रेडिटर क्या होते हैं? कभी कभी आप स्पोर्ट्स मटेरियल को कैश में भी परचेज करते हैं, कभी कभी स्पोर्ट्स मटेरियल को आप उधार में भी परचेज करते हैं. तो जब आप स्पोर्ट्स मटेरियल को कैश में परचेज करेंगे, तो ये पेमेंट यहाँ दिखा दिया कि भैया पेमेंट फॉर द स्पोर्ट्स मटेरियल, परचेज कितने का किया, ये आपका रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिखा देगा. लेकिन ये जो क्रेडिटर जिससे आपने उधार में लाया है,
उस उधार वाले क्रेडिटर की वजह से भी आपका स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम होगा, ठीक है। तो इन्हीं सारी चीज़ों के लिए आज हम ट्रीटमेंट देखेंगे कि व्हाट अमाउंट मींस व्हाट इज द एग्जैक्ट गुड्स आर कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर, बिकॉज इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट यू विल पुट ओनली दैट वैल्यू विच आर रिलेट टू द पर्टिकुलर ईयर। जो इस साल से रिलेट करेगा वही इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा। आप पिछला सामान ले लीजिए, इस साल ढेर सारा सामान परचेज करिए, उसमें से कुछ सामान बचा करके रख लीजिए, तो ये नहीं माना जाएगा कि जितना आपने इस साल इस समय जो है ढेर सारा जो परचेज किया है वो पूरा यूज हो चुका है, ठीक है। सो आउट ऑफ टोटल परचेजिंग, आउट ऑफ ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, व्हाट इज द एग्जैक्ट अमाउंट, व्हाट इज एग्जैक्ट गुड्स विच आर यूज ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। तो क्या फार्मूला उसका बनेगा, बहुत ईजी है बेटा, चार नंबर का देखो, सब्सक्रिप्शन और कंज्यूमेबल गुड्स में एडिशनल में से कोई भी एक आ सकता है, या तो कंज्यूमेबल गुड्स का ट्रीटमेंट या तो सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट, एग्जाम में कई बार आया, डेफिनेटली आता ही रहता है, ठीक है। तो फार्मूले के बेस पे इसको हम जान लेते हैं बेटा कि किस तरीके से हम करेंगे। चलिए सपोज दैट कि जब देखो पहला स्टेप क्या है कि जो आपका रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होगा, कौन सा अकाउंट, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के पेमेंट साइड में, कौन सा साइड में, पेमेंट साइड में आपको मिलेगा स्पोर्ट्स मटेरियल या कोई भी हो गुड्स के लिए जब आएगी बात, स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज्ड, स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज, ठीक है। तो यहां से आप निकाल लेंगे, सपोज करो ये अगर 1,00,000 रुपए है तो ये मिल जाएगा आपको कि व्हाट इट स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज ड्यूरिंग द ईयर, ये आपने कर लिया। इसके बाद ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक की इंफॉर्मेशन आपको बैलेंस शीट में रहेगी, कौन सी बैलेंस शीट में, ओपनिंग बैलेंस शीट में। इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक की इंफॉर्मेशन कहां रहेगी, सर ये भी बैलेंस शीट में ही रहेगी, लेकिन कौन सी बैलेंस शीट में, क्लोजिंग बैलेंस शीट में, ठीक है। और भी दो चीजें आपको मिलेंगी यहां पे, वो होगा क्रेडिटर, क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, ये भी आपको मिलेगा। इसके बाद क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल में भी दो चीज मिलेंगी, ओपनिंग क्रेडिटर, ओपनिंग क्रेडिटर, दूसरा मिलेगा क्लोजिंग क्रेडिटर। तो ओपनिंग क्रेडिटर, क्लोजिंग क्रेडिटर जैसा भी वर्ड आपको जो है मिलने वाला है, ठीक है। एक वर्ड आपको और मिलेगा जो होगा एडवांस क्रेडिटर। कभी कभी हम क्या होता है कि दो जगह से सामान परचेज करके लाते हैं, दोनों हमारे क्रेडिटर हैं, एक क्रेडिटर जिसके यहाँ उधार रह गया है और एक क्रेडिटर जिसको आपने एडवांस में पेमेंट कर दिया है, तो ये भी बात आएगी, एडवांस क्रेडिटर, एडवांस क्रेडिटर, एडवांस क्रेडिटर का भी ओपनिंग और क्लोजिंग होगा, ठीक है। अब बात यह आएगी सर अगर फार्मूला दे दे तो हम कैसे करेंगे। इसका फार्मूला देखो बेटा, कैलकुलेशन फॉर कंज्यूमेबल गुड्स आप पढ़ रहे हैं तो यहां हेडिंग लगा देंगे कैलकुलेशन फॉर कंज्यूमेबल गुड्स, ठीक। सबसे पहले परचेज ड्यूरिंग द ईयर, परचेज ड्यूरिंग द ईयर कहाँ से मिलेगा बेटा, ये आपको मिलेगा रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से, ये आप कर लीजिएगा परचेज ड्यूरिंग द ईयर, ठीक। इसके बाद ऐड कर दीजिएगा ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक जो भी अमाउंट हो इसका उसी पर्टिकुलर मटेरियल का, लेस कर देंगे लेस क्लोजिंग स्टॉक, ये लेस का आइटम इसको ब्रैकेट में दिखा देते हैं, ठीक। और क्या होगा बेटा, और अगर आपको क्रेडिटर का मिलता है, देखो मैं एडवांस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर क्रेडिटर का मिलेगा, मीन्स क्रेडिटर का मिलेगा ओपनिंग क्रेडिटर, क्लोजिंग क्रेडिटर, तो वो अपोजिट साइड से चलेगा, मतलब क्लोजिंग क्रेडिटर ऐड होगा, क्लोजिंग क्रेडिटर ऐड होगा और ओपनिंग क्रेडिटर माइनस होगा, ये उल्टा चलेगा, क्या क्रेडिटर, ओपनिंग क्रेडिटर माइनस, ठीक। अब अगर एडवांस की बात की, एडवांस में भी ओपनिंग क्लोजिंग बोलेगा, तो एडवांस फॉर ओपनिंग क्रेडिटर ये आपका ओपनिंग ही ऐड होगा, ऐड एडवांस क्रेडिटर, क्रेडिटर ओपनिंग का लेस एडवांस क्रेडिटर, एडवांस क्रेडिटर क्लोजिंग का, ठीक। तो ये इस तरीके से जो है आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा, और ये जो आएगा, ये जो अमाउंट आएगा, ये आपका हो जाएगा गुड्स कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर, क्या हो जाएगा बेटा, गुड्स कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर, गुड्स कंज्यूम, गुड्स कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर।
आपके सिर्फ परचेज कर लेने से गुड्स कंज्यूम नहीं होगा, कितना गुड्स कंज्यूम हुआ उसके लिए आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ये अमाउंट। ठीक है, फिर से देख लीजिए एक एक वन वे वर्ड में कि भैया देखिए सर हमें करना क्या है, हमें जो परचेज है उस परचेज में क्या क्या चीजें ऐड करनी है, परचेज प्लस ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर, ठीक है, प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर प्लस एडवांस क्रेडिटर, लेकिन कौन सा एडवांस क्रेडिटर कौन सा बेटा, ओपनिंग वाला, ओपनिंग माइनस क्या क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा बेटा, तीन चीजें देख रहे हैं आप, ये तीनों चीजें, क्लोजिंग स्टॉक, इस तरीके से भी फार्मूला आप लगा सकते हैं, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग एडवांस, सॉरी माइनस ओपनिंग क्रेडिटर और माइनस क्लोजिंग एडवांस। वन वर्ड में सुनिए कैसे करना है आपको, आपको करना ऐसे है बेटा कि ओपनिंग स्टॉक और एडवांस का ओपनिंग, ये सारी चीजें ऐड होंगी, मींस आपको अगर इंफॉर्मेशन दी जाएगी तो ओपनिंग का जो आइटम होगा वो ऐड होगा, क्लोजिंग का जो आइटम होगा वो लेस होगा। फिर से मेरे साथ सोचिए एक बार कि अगर हमें दिया जाएगा तो हम नेट परचेज को रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से उठा लेंगे, उसी नेट पर नेट परचेज या नेट कैश पेमेंट फॉर द क्रेडिटर में से आप उतना अमाउंट उठा लेंगे, भाई ये देखो ये परचेज ड्यूरिंग द ईयर है, ये परचेज ड्यूरिंग द ईयर है। इसमें परचेज ड्यूरिंग द ईयर में आपको करना क्या है, आपको सारे ओपनिंग ऐड करने हैं और सारे क्लोजिंग लेस करने, चाहे वो किसी का भी हो। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर क्रेडिटर की बात आएगी, एडवांस की नहीं क्रेडिटर की बात आएगी, तो क्रेडिटर में क्लोजिंग ऐड होगा और ओपनिंग लेस होगा। ठीक है, तो बस इतना ही याद रखिए कि सिर्फ क्रेडिटर दिया रहेगा तो सिर्फ क्रेडिटर का क्लोजिंग ऐड होगा, ओपनिंग लेस होगा, बाकी स्टॉक की बात करेगा ओपनिंग ऐड क्लोजिंग लेस, एडवांस की बात करेगा ओपनिंग ऐड क्लोजिंग लेस। ठीक है, तो फिर से एक बार रिपीट कर सकते हैं हम यहाँ पे कि सर क्रेडिटर हो, सॉरी स्टॉक हो या एडवांस हो, स्टॉक और एडवांस हमेशा ओपनिंग ऐड होकर के क्लोजिंग लेस होगा, लेकिन जब क्रेडिटर की बात आएगी तो क्रेडिटर अपोजिट चलेगा, इसका क्लोजिंग ऐड होगा और ओपनिंग लेस होगा। शायद आपको बातें समझ में आ चुकी होंगी। ठीक है स्टूडेंट, चलिए क्वेश्चन देखते हैं, हाउ विल यू डील विद द फॉलोइंग आइटम्स व्हाइल प्रिपेयरिंग अ फाइनल अकाउंट ऑफ अ क्लब। एक क्लब का अकाउंट दिया है, इसमें स्टॉक ऑफ स्टेशनरी है, स्टेशनरी एक मटेरियल आप कितना यूज करेंगे, क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी है, अमाउंट पेड, ये देखो अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी इन 19, 20, 25,000, आप यहाँ लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर 31 मार्च 2020। ठीक, ये आपका रुपी का कॉलम, ये रुपी का कॉलम, ये आपका एक्सपेंस साइड है, ये आपका इनकम साइड है, ये चलिए बेटा कितने का परचेज किया है 25,000, चूंकि ये एक्सपेंस ही साइड जाएगा अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी, तो आप लिखेंगे परचेज ड्यूरिंग द ईयर, परचेज ड्यूरिंग द ईयर कितना 25,000, परचेज ड्यूरिंग द ईयर 25,000। ठीक है, स्टेशनरी ओपनिंग होगा ये और ये क्लोजिंग है, ये क्लोजिंग इन्फॉर्मेशन है, अब कहने की जरूरत नहीं, मुझे लगता है क्लोजिंग है, ये आपका ओपनिंग है, तो ओपनिंग क्रेडिटर, सॉरी ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक ऐड होगा, ऐड ओपनिंग स्टॉक, ऐड ओपनिंग स्टॉक कितना हो जाएगा 4,000 लेस क्लोजिंग स्टॉक कर दीजिएगा, यहाँ कर दें लेस वाला आइटम एक साथ कर दें, लेस क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कितना है 3,000। ठीक, अब बात आएगी क्रेडिटर की, क्रेडिटर का आपको बताया कि एडवांस वाला ओपनिंग ही ऐड होगा, क्लोजिंग ही ले सकोगे, लेकिन खाली क्रेडिटर अगर बोलेगा तो इसका क्लोजिंग पहले ऐड होगा, ये पहले आपका क्लोजिंग ऐड हो जाएगा, तो ऐड कर देंगे ऐड क्लोजिंग क्रेडिटर 5,400। ठीक, और क्या करना है, और इसके बाद आप ओपनिंग वाला कर लीजिए, ओपनिंग को माइनस कर लीजिए, ओपनिंग क्रेडिटर, ओपनिंग क्रेडिटर कितना हो जाएगा 7,200।
तो ये दोनों आपको माइनस करना है, ये दोनों आइटम, और ये आपको प्लस करना है, ये प्लस करना है, ठीक है। प्लस करने के बाद आपका जो आ जाएगा, यही अमाउंट जो होगा आपका, वो हो जाएगा गुड्स कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बेटा, समझ में आया ना। नेक्स्ट देखिए, सेम क्वेश्चन, वही स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, यही 1 अप्रैल 1819, ये आपका क्लोजिंग है, ये आपका ओपनिंग है, और ये स्टेशनरी का है, क्रेडिटर है। स्टेशनरी परचेज ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2019 वॉज 75,000। स्टेशनरी परचेज, अच्छा इस वाले क्वेश्चन को देखो और इस वाले क्वेश्चन देखो, यहाँ बोला है अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी, मीन्स कितना कैश आपका गया, ठीक है, कितना कैश आपका गया, ये इसमें बोला था, ठीक है। और इसमें क्या बोल रहा है, इसमें सिर्फ बोला, अगर आप बोलेंगे अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी, इसका मतलब है कि आपने व्हाट अमाउंट ऑफ कैश आर यूज फॉर द मशीनरी, सॉरी स्टेशनरी। लेकिन यहां पे बोल रहा है कि स्टेशनरी परचेज ड्यूरिंग द ईयर, स्टेशनरी आपने कितने का परचेज किया है, 75,000 रुपये का आपने स्टेशनरी परचेज किया है। जब बोलेगा परचेज ड्यूरिंग द ईयर, इसका मतलब आप समझेंगे इसमें कैश परचेज भी है और क्रेडिट परचेज भी है, ठीक है। मतलब नगद भी बेचा आपने, नगद भी है और उधार भी है। तो अगर नगद उधार एक साथ इंक्लूडेड है तो कभी भी आप क्रेडिटर वाला ट्रीटमेंट मत करिएगा, ठीक है। इसमें देखिए क्या बोला था, इसमें सिर्फ कैश बोला था, मतलब जो इन्फॉर्मेशन है वो कैश कितना पे किया वो तो है, लेकिन क्रेडिट कितना पे किया उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। लेकिन यहाँ पे परचेज दिया साफ साफ, आप सीधे लिखेंगे परचेज स्टेशनरी। ये एक बात और, ये बेटा ये जो अमाउंट पेड है ये आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के पेमेंट साइड मिलेगा, लेकिन ये परचेज आपको पेमेंट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के पेमेंट साइड नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि परचेज का मतलब कैश परचेज भी होता है, क्रेडिट परचेज भी होता है। डजेंट मैटर यू आर परचेजिंग 75,000, हो सकता है इसमें 20,000 रुपये आपने दिया हो, तो उससे हमसे मतलब नहीं है, ठीक है। आपने बोला 75,000 रुपये, तो नगद और उधार दोनों की बात हो चुकी है, अब इसमें आप क्रेडिटर का ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। तो 75,000, ठीक। इसके बाद अब स्टॉक करिए, एड ओपनिंग स्टॉक 21,000, ये आपका हो जाएगा 96,000। लेस करिए, लेस क्लोजिंग स्टॉक 18,000, और ये आपका हो जाएगा 78,000, ठीक है। स्टेशनरी कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर, ये कौन सा अकाउंट है बेटा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक। कल आपको देखिए दो क्वेश्चन आपके सामने होमवर्क है, आप ध्यान से कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं बेटा। ओपनिंग मेडिसिन स्टॉक एंड अमाउंट पेड फॉर अमाउंट पेड फॉर मेडिसिन है तो अभी आप कर लेंगे। अमाउंट पेड है मतलब आपको क्रेडिटर को इंक्लूड करना है। दूसरे वाले केस में देखो स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज्ड बोला है तो यहाँ आप क्रेडिटर को इंक्लूड नहीं करेंगे, बाकी सेम आपका ट्रीटमेंट चलेगा, ठीक है बेटा। तो आई थिंक दैट इज इनफ फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।